हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेडिंग लैब पर। दोस्तों, ये मैं सीरीज नई स्टार्ट कर रहा हूं, इसका नाम है मार्केट ज्ञान। देखिए, आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर जो होता है वो कंपनी के फंडामेंटल्स हो गए या मार्केट के टेक्निकल्स हो गए, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल और एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आपको बनना है, तो आपको मार्केट की जो टर्मिनोलॉजी है, मार्केट मार्केट में जो हमारे इकोनॉमी को चीजें प्रभावित करती हैं, जिससे हमारी मार्केट जो है वो प्रभावित होती है, वो भी सीखनी आपको बहुत जरूरी है। तो ये वाली सीरीज जो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आज मैं आपके लिए कवर करूंगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो कि आरबीआई लाता है, उस वो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाता है, और उन उस पॉलिसी से हमारी क्या क्या चीज कैसे इकोनॉमी जो है वो प्रभावित होती है, और ओवरऑल हमारी मार्केट की डायरेक्शन कैसे तय होती है। तो इसमें जो देखिए चार पार्ट होते हैं, इसमें पहला पार्ट होता है हमारा रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है हमारा सीआरआर जो कि कैश रिजर्व रेशियो होती है, एक होता है हमारा एसएलआर जो कि है स्टेटटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मॉनिटरी पॉलिसी होती क्या है। देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी एक तरह का टूल होता है आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई को मनी सप्लाई, आरबीआई हमारा जो है मनी की जितनी हमारी सप्लाई होती है मार्केट में, हमारे कंज्यूमर्स पे जो भी सबके पास पैसा आना चाहिए मार्केट में, वो सारा कंट्रोल आरबीआई करता है। और वो आरबीआई जो है वो कंट्रोल क्यों करता है, कैसे करता है, वो करता है इंटरेस्ट रेट के थ्रू। देखिए, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, आरबीआई एक हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और आप देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर जो भी हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने या घटाने में। तो देखिए, जब भी आरबीआई आरबीआई को इंटरेस्ट रेट को कम करने या ज्यादा करने के लिए दो चीजों को अपने पास रखना पड़ता है, एक होती है ग्रोथ, एक होता है इन्फ्लेशन। ग्रोथ होती है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, और दूसरा इन्फ्लेशन होता है कि महंगाई दर। महंगाई दर होती है कि आज जो चीज आपको जितने की मिल रही है वो कल जो है वो आपको महंगी मिलेगी। सिंपल टर्म्स में इसे ऐसे समझिए। तो जब भी देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब जो भी बोरो करने का रेट बढ़ेगा, जैसे कि होम लोन का या फिर कोई भी पर्सनल लोन का, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उनके लिए बढ़ेगा, तो वो वाला वो जब भी बढ़ेगा तो आपके पास जो जो कॉरपोरेट्स हैं या कोई भी कंज्यूमर्स हैं वो कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी और इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी। तो सीधे सीधे जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी जो है वो धीरे हो जाती है, उसकी ग्रोथ धीरे हो जाती है। और जब भी अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो मनी सर्कुलेशन में ज्यादा आ जाएगा, कंज्यूमर्स लोन ज्यादा लेने लगेंगे, और कंज्यूमर लोन ज्यादा लेने लगेंगे तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ग्रोथ होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, सेलर्स जो होंगे वो चीजों के दाम जो है वो महंगे करते चले जाएंगे। तो आरबीआई को इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, इंटरेस्ट रेट को मद्देनजर रखते हुए। तो देखिए, इसमें चार चीजें होती हैं। पहली चीज जो है वो है आपका होती है सीआरआर। सीआरआर आपकी होती है, देखिए दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को, कोई भी बैंक हो, जैसे वो पीएसयू बैंक हो गए आपके, जिसमें एसबीआई, पीएनबी हो गया, या फिर कोई भी जो है प्राइवेट बैंक्स हो गए, जिसमें कि एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इन सब कोई भी बैंक को मैंडेटरली आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है कि उनको कुछ ना कुछ जो फंड्स होते हैं वो आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। तो अमाउंट जो भी अमाउंट उनको आरबीआई के पास मेंटेन रखना पड़ता है वो डिपेंड करता है हमारे सीआरआर पे, कैश रिजर्व रेशियो पे। तो और जब भी कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई इंक्रीज करेगा, तो हमारे जो सिस्टम में से पैसा जो है वो आरबीआई के पास ज्यादा रखना पड़ेगा बैंक को, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए कैश रिजर्व रेशियो जब भी कम या ज्यादा होती है तो मार्केट हमारी उस पर रिएक्ट करती है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा होता है एसएलआर, जिसमें होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एसएलआर में यही फर्क है कि एसएलआर में भी बैंक्स को कुछ पैसा जो है ना इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में मैंडेटरीली, और उस पे जो है वो बैंक्स को इंटरेस्ट आता है, बैंक्स जो है उस पे पैसा कमाते हैं।
तो यहाँ पे सीआरआर में कोई आपको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन एसएलआर में बैंक्स को जो है वो पैसा मिलता है। तो मान लीजिए एसएलआर जो है 20% है, और कोई भी कंज्यूमर, कोई भी आप अपना अगर पैसा से कहीं भी अकाउंट में बैंक के डालते हैं, 1,000 रुपए डालते हैं, तो उसमें से मैंडेटरली 200 रुपए बैंक को कहीं पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या अगर सीआरआर में देखें तो वो 200 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। सीआरआर में आपको इंटरेस्ट कोई नहीं मिलेगा, एसएलआर में आपने इन्वेस्टमेंट कहीं भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर दी तो आपको जो है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा होता है हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेपो रेट का। देखिए जब भी बैंक को पैसा उधार लेना है आरबीआई से, तो उनको जो जिस रेट पे आरबीआई उनको जिस ब्याज दर पे आरबीआई जो है बैंक को पैसा देता है उधार में, तो वो होता है हमारा रेपो रेट। जब भी रेपो रेट बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो ब्याज दर बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है ब्याज लेने की, उससे क्या होगा कि इकोनॉमी हमारी स्लो हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स जो है वो कम से कम उधार लेंगे, कम से कम उधार लेंगे तो कम से कम लोन देने की उनकी क्षमता होगी। तो अभी जो है रेपो रेट आई गेस 8% के आसपास, या 7 या 8% के आसपास चल रहा है, तो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज करे। तो और देखिए फोर्थ होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखिए जैसे आरबीआई से पैसा बैंक्स लेते हैं, वैसे ही आरबीआई भी बैंक से पैसा उधार ले सकता है। तो जब भी बैंक्स जो है आरबीआई को उधार देते हैं, और जिस ब्याज दर पे वो उधार देंगे, तो वो जो रेट होगा वो हमारा रिवर्स रेपो रेट होगा। तो जब आरबी और एक और चीज ध्यान रखिए, यदि आरबी जो जो भी बैंक्स होते हैं वो आरबीआई को प्रेफर करते हैं लोन देना बजाय कि कॉरपोरेट एंटिटीज के, क्योंकि क्योंकि देखिए वहां पर डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब भी कॉरपोरेट्स को देते हैं। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा ही था कि किंगफिशर एयरलाइंस का विजय माल्या कितना डिफॉल्ट कर दिया वो के उस तो वो चीजें, वो संभावनाएं कम हो जाती हैं जब आरबीआई जो है उसमें किसी और को आरबीआई आरबीआई को देने के लिए आरबीआई को देता है। तो इसमें इंक्रीज जब भी होता है रिवर्स रेपो रेट, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता, क्योंकि वो टाइट कर देता है मनी की सप्लाई को। तो देखिए ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये चारों चीजें मार्केट को प्रभावित करती हैं। जब भी देखिए आरबीआई जो होता है वो हर 2 महीने में अपनी रिव्यू मीटिंग्स रखता है, और इन मॉनेटरी पॉलिसीज को रिव्यू करता है, और उसमें वो सारे फैक्टर्स को देखता है कि हमें ग्रोथ कितनी चाहिए, ग्रोथ कितनी हो रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है। तो ये एक बहुत की इवेंट होता है मार्केट के लिए। इसको अगर आपने चेक करना है तो आप investing.com की, मैंने बताया था एक ऐप है investing.com, एक साइट है, उसमें की इकोनॉमिक इवेंट्स के आप जो है अलर्ट्स लगा के रख सकते हैं कि कब कब जो है मॉनेटरी पॉलिसीज के रिव्यू होते हैं। और इसमें देखिए जो सबसे सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं मार्केट के, जैसे बैंकिंग का सेक्टर, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर, रियल एस्टेट का सेक्टर, मेटल्स का सेक्टर, तो ये बड़े टू वॉच होते हैं, क्योंकि ये बहुत रिएक्ट करते हैं न्यूज पे। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग और ऑटोमोबाइल तो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करता है इस पे, क्योंकि बहुत सारे कार लोन्स होते हैं, हाउसिंग लोन्स होते हैं, ये सारे जो लोन्स पे डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं जिस दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आना होता है। तो आपको अभी ये चारों चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गई होंगी, और जब भी आगे आप कहीं न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी डेली पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में, तो आपको बहुत आसानी से समझ में, आप रिलेट कर पाएंगे कि इस इवेंट का आगे क्या प्रभाव हो सकता है, ये चीजें आरबीआई ने बढ़ाई है तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए इसमें मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया है, और आने वाले वीडियोस में मैं इन्फ्लेशन हो गया और इस मार्केट ज्ञान सीरीज में WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो भी मार्केट से रिलेटेड जो हमारी स्टॉक मार्केट को है और इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली चीजें, वो मैं आगे वीडियोस में कवर करूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये ज्ञानवर्धक चीजें मिले और वो भी हमारे मार्केट को जाने। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।